नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीके आज आपके बीच में एक और वर्कआउट लेके आया हूँ। और आज का जो वर्कआउट है वो होगा हमारा वर्कआउट बेस हमारे कॉलर की। कॉलर की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारे शोल्डर के साथ जो है डेवलप होती है, तो आज मैं कॉलर के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी आप एक्सरसाइज को लगा सकते हो जिम में, जिससे जो है आपके कॉलर जो है बाहर निकलें और बाद में जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है कि जब हम वर्कआउट करते हैं शोल्डर वर्कआउट, तो उसके साथ जो है हम क्या सोचते हैं कि हम जो है कॉलर का वर्कआउट भी करें। इसीलिए जो है मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉलर का कौन कौन सा वर्कआउट होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास प्लेट है 10 kg की। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो है प्लेट ले सकते हो, 5 kg, 10 kg, 15, 20, कोई भी आप जो है वो ले सकते हो। तो सबसे पहली जो बात क्या है कि आप क्या करोगे, इस प्लेट को इस तरीके से पकड़ के, ये तरीके से, दोस्तों इसमें आपने ध्यान ये चीज़ रखनी है कि आपने जो अपनी बॉडी बॉडी का पोस्चर, वो कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। आपने क्या करना है, अपना पोस्चर इस तरीके से थोड़ा सा आगे बेंड और उसके बाद प्लेट ऐसे और ये चीज़ ऐसे। जब भी आप इस एक्सरसाइज करोगे तो क्या करना है, आपने जब प्लेट आप ऊपर लेके आओगे तो यहाँ आके आपने कम से कम भी 2 सेकंड जो है आपने इसको क्या करना है, रोक के रखना है, जिससे जो क्या होगा आपको फायदा होगा, आपके जो कॉलर के ऊपर है वर्कलोड पड़ेगा। और आप देखना जब भी आप इसके रेपिटेशन दोगे तो आपको कितना फर्क दिखाई देगा। तो ये देखो, ये चीज आपने क्या करना है दोस्तों, इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाने हैं और 4 सेट में कम से कम भी मिनिमम 16-20 जो है आपने रैप देने हैं। जब आप इतने रैप दोगे तो देखना आपके कॉलर जो है वो कितने अच्छे जो है वो बाहर आएंगे। और इसमें एक बात और आपने ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब भी आप कॉलर का वर्कआउट करोगे तो याद रखना कि एक वीक में आपने जो है एक बार ही इसको ट्रेन करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हफ्ते में 3-3 बार जो है वो कॉलर का वर्कआउट करते हैं, फिर उसको रिकवरी नहीं मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आपने ये एक्सरसाइज करनी है तो आपने कम से कम भी एक बार, और एक बार जब भी आपने करना है तो एक अच्छे तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 सेट लगाया वो पूरा वर्कलोड पड़े आपके कॉलर के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही आपसे डिस्कस करना चाहता था कि कॉलर के वर्कआउट जो आपने कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।